नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका बहुत स्वागत है। एक अजीबोगरीब खबर लेकर के मैं आपके साथ हूं। वैक्सीन के डर से बाराबंकी जिले के कुछ लोग नदी में कूद गए। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और ये लोग जो हैं ये नदी में कूद गए। अपने आप में वाकई में ही काफ़ी हैरान करने वाली ये खबर है कि पूरे देश के कई इलाकों से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये लोग डर से नदी में कूद गए। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर तराई में बसा हुआ करीब 150 लोगों वाला की आबादी वाला ये गांव है सिसोड़ा। इस गांव में वैक्सीन को लेकर के इतना डर है, इतना डर है कि आज सुबह जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंचती है तो गांव के लगभग 200 लोगों ने अपने मन में जो पहले से डर बिठाया हुआ था उसको लेकर के वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया और वो सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके पीछे पीछे भागी तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें समझा बुझा करके बाहर निकाला। बाराबंकी जनपद की तहसील रामनगर के तराई के इस गांव सिसोड़ा में टीम आज सुबह, जैसे कि सुबह सुबह टीमें निकलती हैं, ये टीम भी निकली और उन्होंने टीकाकरण की सूचना को प्रसारित किया। हालांकि पहले से ही लोगों को पता था कि आज टीकाकरण होने वाला है और जैसे ही टीम वहां पहुंचती है तो वहां के जो ग्रामीण लोग थे वो खौफजदा हो गए और उन्होंने नदी की तरफ भागना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब ये सूचना मिली कि गांव के बाहर नदी की तरफ वो लोग पहुंच चुके हैं और जब उन्होंने डॉक्टर्स को और उनकी टीम को आते हुए देखा तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। इतने डरे हुए थे वो, उनके दिमाग में ऐसी चीजें भरी हुई थी वैक्सीनेशन को लेकर के कि उन्होंने डर से सरयू नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय ग्रामीणों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसा करते हुए देख के जो टीम पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की, उनके हाथ पैर फूल गए और काफी उनको मानवलंबल किया गया, अनुरोध किया गया, तब जाकर के वो बाहर निकलते हैं। हालांकि 2-3 ही लोग ऐसे थे जो बाहर निकलते हैं मानवलंबल करने के बाद। उसके बाद SDM राजीव शुक्ला और नोडल अधिकारी राहुल त्रिपाठी मौके पर पहुंचते हैं। दोनों लोगों ने उनको काफी समझाया और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। और आप देखिए कि वैक्सीन की कमी को लेकर के कितनी बात हो रही है देश में, हर शहर में, लेकिन यहाँ पे 1500 लोगों की आबादी वाला ये गांव है सिसोड़ा और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम मात्र 14 लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाई। तो ये सोचने की बात है। मेरा मानना है कि सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। अब ये बात अलग है कि ये काफ़ी इंटीरियर में गांव है, वहाँ के लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में सही तरीके से ना समझाया गया हो। और ऐसे इलाकों में जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, जहाँ वहाँ के जो हेल्थ वर्कर हैं वो एडवांस में लोगों को जाके बता सकते हैं कि इस टीके को लगवाने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है या इस टीके का कोई नुकसान नहीं है और वो इसको एक देश का अच्छा नागरिक होते हुए इस वैक्सीनेशन को जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये थी वैक्सीनेशन से खौफ वाली खबर। मैं आपके साथ फिर मिलती हूँ आपको कोई नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।